जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर आगे पढ़ेंगे और हम आज नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंदर तीन फोर्सेस जो हैं वो आपको देखने होते हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर ही है क्योंकि फ्रिक्शन के ज्यादा सवाल बनते हैं। और तो ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, पहली बात इसको समझा जाए। नॉर्मल का मतलब, जैसे सबसे पहले तो जैसे इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे आपने ऑप्टिक्स के अंदर देखा होगा तो मिरर का जो नॉर्मल होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब ये है कि सरफेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करती है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, नॉर्मल फोर्स आता क्यों, ये जो नॉर्मल फोर्स है वो क्यों आता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो नॉर्मल फोर्स, जैसे कहीं भी नॉर्मल फोर्स अगर आएगा, जैसे सपोज करिए कि ये एक ब्लॉक है जमीन पे रखा गया है, तो अगर हम देखें तो जमीन पे रखा गया है तो ये जमीन को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो जमीन इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर जमीन इसके ऊपर लगाएगी तो ये जमीन के ऊपर भी लगाएगा। तो यही फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है। कहीं भी नॉर्मल, जैसे दीवार है मान लीजिए, तो इस दीवार को अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, दबाने की कोशिश करता हूं, तो जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल फोर्स आएगा। ये मान लीजिए कि डस्टर है और इस डस्टर को मैं ऐसे ऐसे धक्का देता हूं, ऐसे ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, इसके आकार को छोटा करने की कोशिश करता हूं, तो जो उसको रिएक्शन में आएगा ना, जो फोर्स जो उसको अपोज करने के लिए आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। तो नॉर्मल फोर्स आपको पहचानना है अगर कि नॉर्मल फोर्स कब होगा, तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कभी भी हम किसी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेशन के अपोजिशन के तौर पे जो फोर्स आता है वो नॉर्मल फोर्स आता है, कंप्रेशन को अपोज करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम नॉर्मल फोर्स के बारे में ये लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कंप्रेशन में अपोजिशन के लिए आता है। ठीक है, लिखें नॉर्मल फोर्स अराइजेज टू अपोज द tendency of compression जहां भी कहीं पर हम किसी भी चीज को कंप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो जो फोर्स आता है वो नॉर्मल फोर्स आता है अपोज करने। कहीं भी दीवार आपको नहीं दिख रही है लेकिन अभी आवाज सुनाई पड़ेगी, ये दीवार पे जब मैंने इसे मारा तो जो फोर्स आया वो नॉर्मल फोर्स था। ये देखिए अभी ये नॉर्मल फोर्स है क्योंकि हमने इसको दबाने की कोशिश करी तो उसके विरोध में जो फोर्स आया, कंप्रेस करने की जो कोशिश होती है उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स अराइजेस टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। It is always perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface considered. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस कंसिडर्ड। जो भी आपने सर्फेस कंसिडर किया है ये नॉर्मल फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। अगली बात यह है कि भाई नॉर्मल फोर्स आता क्यों है, नॉर्मल फोर्स ऐसे आता है मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करो कि मेरा हाथ जो है वो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअल में फिनोमिना क्या हो रहा है, अगर हम मॉलिकुलर लेवल पर जाएं तो ये जो मेरा हाथ है ये इलेक्ट्रॉनों का बादल है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, अगर वैसे तो दिखने में आपको ये दिख रहा है कि अंगूठी पहन रखी, ये कलर वो कलर, नाखून बाल, लेकिन वास्तव में ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर आप मॉलिकुलर लेवल पर जाएं तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये दोनों पास आएंगे एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा। सच में अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल पर तो हम लोग क्या है, हम सारे लोग क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, जो बाहर होता है वो तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अगर एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे सब कुछ सही सही देखा जाए तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। जब ये दोनों क्लाउड पास आएंगे तो अपोजिशन चालू हो जाएगा, रिपल्शन चालू हो जाएगा। वो जो रिपल्शन होता है उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी आप लिखें, इट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये जो फोर्स है वो नेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है मतलब कुल मिलाकर चार्जेस की वजह से आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं जब वो रिपल करते हैं तब ये फोर्स आता है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स आता है ये फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर आता है, अक्सर आता रहता है। तो नॉर्मल फोर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिसको हम लोग FBD कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि भाई देखिए, कुल मिला के ये है कि मैकेनिक्स के हर सवाल में या फिजिक्स के ज्यादातर सवालों में फोर्स जरूर आएगा, कोई ना कोई फोर्स होगा भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होंगे, मैकेनिक्स में टेंशन नॉर्मल फ्रिक्शन होंगे, फोर्स जरूर आएगा। और अगर आपने उस फोर्स को सही से दिखा दिया, डायरेक्शन उसका सही है और उस फोर्स को सही से दिखा दिया आपने, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग बहुत बेसिक सी बात सीखते हैं, फोर्सेस को किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम आपको सिखाते हैं कैसे दिखाना है फोर्सेस को। तो जब भी कभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की बात करता है तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलेंगे हम लोग इसको, बार बार फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलेंगे, FBD बोलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बॉडी होती है उसको फ्री कर लेते हैं। फ्री करने का मतलब उसको एक अलग जगह पे ड्रॉ कर लिया हमने, अलग जगह पे ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज को हमने शो किया विद डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। और ये मैकेनिक्स सीखने का पहला स्टेप है। अगर आपने मान लीजिए कि बहुत अच्छा आपको मैकेनिक्स आता है, कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया है, गणित में भी आप बहुत तेज हैं, लेकिन अगर एक भी फोर्स आपने गलत दिखा दिया या उसका डायरेक्शन गलत दिखा दिया तो आपकी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। जो आपने मेहनत करी है वो सारी मेहनत आपकी चौपट हो जाएगी। तो इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बनाने में बहुत केयरफुल रहना है आपको और बहुत अच्छे से सीखना है FBD बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, बॉडी को पहले फ्री कर लिया, नाम से ही क्लियर है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर फोर्स दिखाते हैं। इसी का एक और नाम होता है, इसको फोर्स डायग्राम भी कहते हैं, फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम भी बोला जाता है ये, और ये फ्री बॉडी डायग्राम भी बोला जाता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मुझे बताना है तो दुनिया का जो सबसे आसान फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो मैं बनाने जा रहा हूं, ये ब्लॉक है एममास का, जमीन पे रखा हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि इसका FBD बनाओ। तो इसका अगर मुझे FBD बनाना है तो पहले तो आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, फिर मेरा चेक करिएगा, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तभी आपको सही गलत पता चलेगा। तो जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है, धरती खींच रही इसको अपनी तरफ, पुकार रही धरती आओ नीचे आओ, तो ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो इस पर नीचे की तरफ MG लग रहा होगा, एक MG तो लग रहा होगा, अब नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन ये धरती का सरफेस है, ये सरफेस जो है ये इसको अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, ये इसका FBD हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे नहीं धरती का FBD बनाओ, जो इसके नीचे की धरती है अगर उसका FBD बनाने के लिए बोले तो धरती का FBD कुछ इस तरह से बन जाएगा। मान लेते हैं धरती बहुत बड़ी होगी, मैं छोटी सी धरती बना रहा हूं, तो ये MG जो है वो हम ऐसा मानते हैं कि धरती का सेंटर जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगता हुआ माना जाता है। तो धरती का जो सेंटर है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये धरती के सेंटर को ऊपर की तरफ खींचेगा MG फोर्स से, और उसके अलावा धरती का सरफेस जो है वो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ। तो अगर मुझे FBD बनाना है, अकेले ब्लॉक का बनाना है, तो ये NMG होगा। अच्छा, अगर धरती ने ब्लॉक पे N ऊपर की तरफ लगाया था तो ब्लॉक N धरती पर, N नीचे की तरफ लगाएगा,
धरती के सेंटर ने इसको एमजी फोर्स से नीचे की तरफ खींचा था, तो ये धरती के सेंटर पे एमजी फोर्स ऊपर लगाएगा, तो ये इस ब्लॉक का एफबीडी हो गया। ऐसे बहुत सारे एफबीडी हम लोग बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। मैं आपको एफबीडी दूंगा बनाने के लिए, एक मिनट का समय लेंगे, आप बनाएंगे फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे इसका एफबीडी बनाना है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, और मुझे FBD बनाना है, M1 M2 दोनों का FBD बनाना है। M1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं आपको, M2 पे लगने वाले। FBD बनाने में अगर आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लें और दिमाग में बैठा लें, तो FBD गलत नहीं होगा। FBD बनाना है मैकेनिक्स में, FBD में जब आप बनाते हैं तो उसका रूल ये है कि जहां जहां कॉन्टैक्ट है, जहां जहां संपर्क है, उस जगह पे फोर्स लगेगा। टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन कुछ भी लग सकता है, उसके अलावा जो लगेगा वो ग्रेविटी लगेगा। जिस जिस जगह पे कांटेक्ट है उस जगह पे टेंशन उस जगह पे कोई फोर्स लगेगा। टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और उसके अलावा जो ग्रेविटी है उसको लगने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये चौक छोड़ी तो एमजी तो नीचे की तरफ इसके ऊपर हमेशा ही लगेगा, चाहे कॉन्टैक्ट में हो चाहे ना हो। तो अगर आपको एफबीडी बनाना है तो आप पहले तो ये पहचाने कि कहां कहां ब्लॉक कॉन्टैक्ट में, जहां जहां कॉन्टैक्ट में वहां कोई ना कोई फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स आएगा, और उसके अलावा जो फोर्स आएगा वो ग्रेविटी आएगा। तो अब जैसे मुझे एफबीडी बनाना है इसका, तो मैं एम वन मास पहले ड्रॉ कर लेता हूं। एम वन मैंने ड्रॉ किया, तो एम वन पे एक तो धरती नीचे की तरफ एम वन जी लगा रही होगी, और चूंकि M1 जो है वो M2 पर रखा हो तो M2 को दबाने की कोशिश कर रहा होगा, तो M2 इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, मान लिया N1 लगा रहा है। ये दो फोर्स इसके ऊपर लगे, क्योंकि इसका एक ही जगह कांटेक्ट है, इसी जगह पे इसका संपर्क है, तो जहां कांटेक्ट है वहां फोर्स लगता है, उसके अलावा ग्रेविटी लगती है। M2 का देखें, M2 का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो M2 के एफबीडी में धरती इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ तो लगाएगी M2 जी, उसके अलावा ये धरती के ऊपर रखा है तो धरती को दबाने की कोशिश करेगा, तो धरती इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जो कि N2 के बराबर होगा। अच्छा, अगर अगर ये इसके ऊपर N1 लगा रहा है तो ये इसके ऊपर N1 नीचे की तरफ लगा देगा, भाई न्यूटन का तीसरा नियम तो सही रहेगा ही रहेगा। अगर M2 ने M1 पे N1 ऊपर लगाया है तो ये क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर उतना ही नीचे लगाएगा। चुप थोड़ी बैठेगा, एक्शन रिएक्शन। अगर इसने इसके ऊपर N1 ऊपर लगाया तो ये इसके ऊपर N1 नीचे की तरफ लगा देगा, तो इस तरह से इसका एफबीडी बन जाएगा। ठीक है, एफबीडी बनाने में ध्यान आपको ये रखना है कि जहां जहां कॉन्टैक्ट है, जहां जहां संपर्क है, उस जगह पे आपको उस जगह पर एक फोर्स दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा आपको ग्रेविटी दिखानी पड़ेगी। और देखिए, और देखते हैं, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा है, और एक एम मास का ब्लॉक यहां रखा है। फिलहाल अभी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हर जगह पे हम लोग सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए अलग चैप्टर ही है, अगला चैप्टर जो है वो फ्रिक्शन का ही चैप्टर है, तो वो अलग चैप्टर ही है। तो फिलहाल हम लोग अभी तो टेंशन, नॉर्मल और बाकी चीजों पे फोकस करेंगे, फ्रिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो खैर, ये एम मास है, ये एंगल थीटा है। अब अगर मुझे इस स्मॉल एम मास का एफबीडी बनाना है, ये स्मॉल एम है मान लीजिए, कैपिटल एम है, दोनों का एफबीडी बनाना चाहता हूं ना, यहां पे फ्रिक्शन है, ये सरफेस भी स्मूथ है, और ये वाला तो स्मूथ है ही, मतलब सारे सर्फेसेस स्मूथ है। आप एफबीडी बनाए, इसका बनाए, एक मिनट का पॉज लेकर के इसका एफबीडी बनाए, फिर आरएस सर का सोल्यूशन देखें। ये स्मॉल एम मास है, ये कैपिटल एम मास है। अब उसके बाद अगर हमें एफबीडी बनाना है तो नियम यही है कि जहां जहां पर, जिस जिस जगह पर कॉन्टैक्ट है वहां वहां फोर्स लगता है, उसके अलावा ग्रेविटी लगता है। तो ये स्मॉल एम मास इसके साथ इस जगह पे कॉन्टैक्ट में है, तो अगर इस जगह पे कॉन्टैक्ट में है तो यहां नॉर्मल लगेगा, भाई ये इसको दबाना चाहेगा तो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, उसके अलावा इसके ऊपर एक एमजी लगेगा, ये दो फोर्सेस लगेंगे। कुछ लोगों को एमजी साइन थीटा याद आ रहा होगा, तो वो तो एमजी साइन थीटा तो हम कंपोनेंट करते हैं फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फोर्स तो इसके ऊपर एमजी लग रहा है, वो कॉस थीटा साइन थीटा वो तो बाद की बात है, जब हम वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल की टेंशन की। फिलहाल एफबीडी इसका ऐसे बनेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल, एक एमजी इधर, उसके अलावा ये जो ब्लॉक है ट्रायंगुलर वेज, अगर हमें इसका एफबीडी बनाना है, इसका एफबीडी बनाना है तो इसका देखो
नियम बहुत सिंपल सा है, जहां जहां कॉन्टैक्ट है वहां वहां पे फोर्स लगेगा, उसके अलावा ग्रेविटी लगेगी, तो इसका अपना जो वजन है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा, कैपिटल एम जी। एक यहां लगेगा स्मॉल एन, और एक जमीन इसके ऊपर लगा देगी एन डैश मान लेते हैं, ग्राउंड भी लगाएगा ना इसके ऊपर, एक ग्राउंड ने इसके ऊपर एन डैश लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एफबीडी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे एफबीडी हैं जो बना सकते हैं हम लोग, जो कि आपको बनाने, एक और दे रहा हूं मैं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और हमने इस पे एक कैपिटल एफ फोर्स लगा दिया, इस पर एक कैपिटल एफ फोर्स हमने लगा दिया, ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया, कैपिटल एफ फोर्स हमने लगाया, तो अब आपको इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है। एफबीडी बनाना है तो कैपिटल एम कैपिटल एम जी नीचे की तरफ है, जमीन इसके ऊपर नॉर्मल एन वन ऊपर की तरफ लगा रही है, कैपिटल एम जी नीचे की तरफ है, जमीन इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रही है, ठीक है, क्योंकि जमीन तो नॉर्मल लगाएगी लगाएगी, एक एफ ये लग रहा है। और ध्यान से देखें, जैसे ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये समझिए, ये एक ब्लॉक मान लीजिए, ये ब्लॉक एक मान लीजिए, एक ब्लॉक, तो मैं तो पीछे वाले को धक्का दे रहा हूं, तो ये उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाए, से ये इस तरह से है, तो अगर मैंने इस पर पीछे से धक्का दिया तो ये आगे बढ़ेगा, तो आगे वाले ब्लॉक को ये पुश करेगा, तो अब अगर ये आगे वाले ब्लॉक को पुश करेगा तो जगह ये इसको इस पर आगे फोर्स लगाया तो ये इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रहा होगा भाई, ये जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम पे आगे फोर्स लगाएगा, तो अब अगर कैपिटल एम स्मॉल एम पे आगे लगाएगा तो थर्ड लॉ के हिसाब से स्मॉल एम कैपिटल एम पे पीछे लगा देगा, सपोज करिए एन लगा दिया उसने, ये इसका एफबीडी होगा। देखो जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां वहां फोर्स लगेगा उसके अलावा, तो यहां पे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में, यहां कॉन्टेक्ट में, तो ये तीन फोर्सेस हो गए, उसके अलावा एक एमजी लग गया। अब ये स्मॉल एम जो है इस पर हम बोले स्मॉल एम जो है उस पर नीचे की तरफ स्मॉल एमजी लगेगा, एक इसके ऊपर ऊपर की तरफ एन टू लगेगा, नीचे की तरफ स्मॉल एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ एन टू लगेगा, आगे की तरफ एन लगेगा। ये भाई ये इस पे एन आगे की तरफ लगा रहा होगा, जमीन इस पे नॉर्मल लगा रही होगी, और उसके अलावा इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, तो इस तरह से हम लोग एफबीडी बना सकते हैं बहुत सारे। और एफबीडी बनाते हैं हम लोग, और सीखते हैं एफबीडी बनाना, जैसे कि ये एफबीडी मैं बनाने के लिए दे रहा हूं आपको, ये इस तरह का एक अरेंजमेंट है, दो ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, और यहां पे एयर है, मतलब ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और ये वर्टिकल वॉल है, और ये ग्राउंड है, और सब स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम, और बीच में कुछ नहीं है, ये मैं समझना कि यहां कोई तीसरा ब्लॉक है, स्मॉल एम हो गया, कैपिटल एम हो गया, इसका एफबीडी बनाओ। तो एक मिनट का समय ले लो आप, पॉज करके बनाओ, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखो। तो ये स्मॉल एम मास जो है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाना चाहता हूं, तो नियम क्या है, नियम ये है कि जहां जहां कॉन्टैक्ट होगा वहां वहां पे फोर्स लगेगा, उसके अलावा जो लगेगा वो ग्रेविटी लगेगी। तो कॉन्टैक्ट, जैसे ये स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम का दो जगह कॉन्टैक्ट है, एक यहां पे कॉन्टैक्ट है, एक जमीन के साथ कॉन्टैक्ट है, तो मैं स्मॉल एम का अगर एफबीडी बनाऊंगा तो स्मॉल एम पे एक नीचे की तरफ लगेगा स्मॉल एम जी, एक जमीन इसके ऊपर लगाएगी एन वन, और एक इसके ऊपर एन इधर लग जाएगा, ठीक है। दूसरा कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, और इस पे एक एन इस तरफ लगेगा, एक कैपिटल एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये एन लगेगा, ये भी कैपिटल एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और ये
मान लिया एन टू लगेगा, इतने फोर्सेस होंगे भाई, जहां जहां कॉन्टेक्ट है इसका एक जगह यहां कॉन्टेक्ट है तो यहां से नॉर्मल लगेगा। अच्छा नॉर्मल हमेशा दबाता ही है बॉडी को, तो एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग ही रहा है और उसके अलावा इसका अपना वेट लगेगा, तो इस तरह से हम इसका एफबीडी बना सकते हैं। एफबीडी बनाना जो है, एफबीडी बनाने में इंटरेस्ट ले आप, क्योंकि एफबीडी बनाने से ही फिजिक्स सीखने का रास्ता खुलेगा। मतलब जब तक आपका एफबीडी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप सही से फोर्सेस नहीं दिखा पाएंगे, तब तक आगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं मैथमेटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी होने के बावजूद उनका फिजिक्स खराब होता है, उसकी वजह यही होती है, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो फोर्सेस को जैसे कोई गणित समझते हैं, फोर्स सच में लगते हैं, रियल होते हैं और उनको हम फील कर सकते हैं, और उनकी जो फीलिंग है वो अगर आपने सही से कर ली, उनको फील सही से कर लिया, तो आप फोर्स डायग्राम सही से बनाएंगे, और फोर्स डायग्राम सही से बनेंगे तो उसके बाद तो मैथमेटिकल इक्वेशंस ही होते हैं, लेकिन उसके पहले फोर्सेस को सही से विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर एफबीडी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, खैर तो ये जैसे एक एफबीडी मैंने आपको दिया बनाने के लिए, एक और दे रहा हूं, ये इस टाइप का एक एफबीडी बनता है। सपोज करिए एक रॉड है, इसका एफबीडी बनाना है, एक ही रॉड है तो इसका अगर एफबीडी बनाना है तो इसके अंदर क्या है कि एफबीडी जो जब भी बनता है तो जहां जहां कांटेक्ट है वहां फोर्स लगेगा, उसके अलावा ग्रेविटी लगेगी। तो जैसे रॉड का मास अगर मान लेते हैं कि स्मॉल एम है, रॉड का मास अगर स्मॉल एम मान लिया जाए तो ये स्मॉल एम जी हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, तो यहां पर लगेगा एक नॉर्मल। अब ये इसमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई सबसे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जैसे कई बार क्या होता है, सरफेस वेल डिफाइंड नहीं होती है, दो सरफेस है, एक सरफेस वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे घूमती हुई सरफेस है, तो उस कंडीशन में जो दूसरी सरफेस है, जो वेल डिफाइंड सरफेस है, उसी सरफेस का हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये वाली जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, और ये वाली जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, और ये mg हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग n1, n2 और mg की वैल्यू दिखा करके fbd बना सकते हैं। और देखिए fbd देता हूं मैं आपको बनाने के लिए, ये इस टाइप का fbd एक बनता है, दो इंक्लाइन प्लेन है और उनके बीच में कोई स्फीयर रख दिया है, दो ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, इनके बीच में एक स्फीयर रख दिया गया। तो अब आपको इस स्फीयर का एफबीडी बनाना है, स्फीयर का मास मान लिया एम के बराबर है, ठीक है, स्फीयर का मास अगर एम के बराबर है तो आपको इसका एफबीडी बनाना है। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्मॉल एम है ना, ठीक है, जो भी स्मॉल एम है इसके ऊपर हम फोर्सेस देखेंगे, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां पे नॉर्मल लगेगा, जहां जहां भी कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल लगेगा, उसके अलावा ग्रेविटी लगेगी। तो जैसे इसके ऊपर एक तो mg लगेगा, यहां कांटेक्ट है तो इस जगह पे एक नॉर्मल लगेगा। अच्छा नॉर्मल इस पर हमेशा सेंटर से ही होके जाएगा, एन वन बोल देता हूं मैं, यहां जो है एंगल अगर बाद में निकाल लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कैसे लगेगा ये सीख रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी इसको तो सीखना ही अल्टीमेटली, लेकिन फोर्स लग कितना किधर रहा है और कैसे लग रहा है ये देखेंगे। तो जैसे इसका नॉर्मल ऐसे सेंटर किसी भी सर्कल पे या स्पीयर पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो सेंटर से जाएगा, इसके ऊपर अगर हम गिराएंगे यहां से तो नॉर्मल ऐसे चला जाएगा, ऐसे एन टू हो जाएगा, ये इधर वाला भी ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो इस तरह से इसके ऊपर फोर्सेस लग जाएंगे। और एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और खूब सारे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का पर्पज यही है कि भाई फोर्स को लगाना सीख जाओ, फोर्स लगाना सीख जाओगे तो पूरे फिजिक्स में आपको काम आएगा, पूरा जो फिजिक्स है उसके अंदर आपको हर जगह फोर्स मिलेंगे, और अगर आपने फोर्स सही से लगाना सीख लिया तो बड़ा आपको राहत मिलेगी आगे फिजिक्स सीखने में। ठीक है, एनीवे ये किसके अंदर आता है कि जैसे मान लिया एक सिलेंडर है, दो गोले हैं और वो एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर रखे गए, ये दो गोले हैं, एक गोला ये है दूसरा गोला ये है, और ये किसी सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, अब आपको
इन पे फोर्सेस दिखाने हैं। इसका मास जो है वो m1 है और इसका जो मास है वो m2 है। इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। तो आपको इसका एफबीडी बनाना है। आप दो मिनट का समय लें पॉज करके और फिर उसके बाद हमारा एफबीडी देखें ध्यान से, तो कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब अगर हमें एफबीडी बनाना है तो एफबीडी बनाने का जो नियम है वो नियम एकदम क्लियर है, सबको पता है कि जहां जहां कॉन्टैक्ट होगा उस जगह पे नॉर्मल लगेगा, जिस जगह पे कॉन्टैक्ट होगा उस जगह पे नॉर्मल लगेगा, उसके अलावा ग्रेविटी लगेगी। तो जैसे कॉन्टैक्ट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इन तीनों पे नॉर्मल लगेगा, उसके अलावा ग्रेविटी लगेगी। तो मैं यहां नॉर्मल लगा देता हूं, ये है, इस पर नीचे की तरफ M1G लग रहा है, उसके अलावा एक यहां पे ऐसे नॉर्मल लग रहा है, मान लिया भाई ये इस पर नॉर्मल ऐसे लगाएगा, N1 मान लिया, इन दोनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट है तो ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे। नॉर्मल जिस भी बॉडी पे लगता है उसको कंप्रेस करता है, तो ये एक N ऐसे लगा रहा होगा भाई, ये इसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा तो ये नॉर्मल इधर लगा रहा होगा, ये इसको दबाएगा तो ये इसको दबाएगा। तो इसके ऊपर देखिए तीन तो कॉन्टैक्ट हो गए, एक दो तीन, हाँ ये दिखा दिया मैंने, ये वाला दिखा दिया, ये अभी बचा है। जमीन भी इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी, मान लेते हैं वो एन जी लगा रही है, ग्राउंड इसके ऊपर जो नॉर्मल, तीन कॉन्टैक्ट है देखिए, यहां पे यहां पे यहां पे, तो तीन नॉर्मल लगेंगे, उसके अलावा एक ग्रेविटी लगेगा। तो ये इस वाले नीचे वाले का हो गया। अब ऊपर वाले का चलो मैं यही बना देता हूं, अगर ऊपर वाले का मैं बनाऊंगा तो ऊपर वाले का जो नीचे की तरफ इसका अपना वेट एम टू जी, और जहां जहां कॉन्टैक्ट है वहां नॉर्मल लगेगा, तो एक यहां कॉन्टैक्ट है, यहां कॉन्टैक्ट है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, जिसको हम N1 पहले ही बोल चुके। ये अगर इस पर N1 इधर लगा रहा होगा तो ये इसके ऊपर N1 इधर लगा रहा होगा और दूसरा इसके ऊपर एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, जिसको मैं N2 बोल देता हूं। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे। जैसे नॉर्मल किधर लग रहा है ये हमने देखा, अब कितना लग रहा है ये हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूटन के लॉज को यूज करते हुए। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका इस्तेमाल करते हुए हम नॉर्मल की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू और बाकी जो चीजें हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल यहां पर आपके सामने आ रहा है, सवाल ये है कि ये 2 किलो का ब्लॉक है और हम इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये मैकेनिक्स के अंदर या एनएलएम का जो सबसे आसान सवाल होगा वो यही सवाल होगा कि एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है, उसके ऊपर फोर्स दिया है। लेकिन इस सवाल को भी हम लोग सिस्टम से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। सिस्टम का मतलब ये है कि मैकेनिक्स के सवालों में या एनएलएम के सवालों में सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप एफबीडी बनाएं, दूसरा काम ये होता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें, पहला तो एफबीडी आपने बना लिया, दूसरा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की पहचान करें और उस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, और जरूरत पड़े तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको 2 इक्वेशंस मिल जाए। तो जरूरत के ऊपर डिपेंड करें। आप जैसे तीन ब्लॉक हैं तो तीनों ब्लॉक पे कुल मिला के अधिक से अधिक 9 इक्वेशन बन सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि हर ब्लॉक पे तीनों डायरेक्शन में, जैसे पहला ब्लॉक है उस पर 3 डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखा जा सकता है, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में, तो 3 इक्वेशन वहां से आएंगे। ऐसे हर ब्लॉक से अधिक 3 इक्वेशन एनएलएम से मिल सकते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि भाई किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, मैं एफबीडी बना रहा हूं इसका, देखिए ठीक है, आपको आंसर पता है, कोई बात नहीं। मैंने इसका एफबीडी बनाया, इस पर नीचे की तरफ 20 लग रहा है, ऊपर की तरफ जमीन इसके ऊपर मान लिया N1 लगा रही है और आगे की तरफ 10 लग रहा है। तो अब क्या है कि ये तो ऊपर तो जा नहीं रहा, ऐसा तो है ना कि पंख लगे उड़ रहा है ऊपर की तरफ या गड्ढा खोद के नीचे जमीन में धस गया, नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 20। भाई अगर ऊपर जा रहा होता तो अलग इक्वेशन होता, तो N1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर मैं x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स है 10, ये बराबर जाएगा मास इनटू x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इसका जो आएगा आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इधर ही जाएगा भी है और आगे तो जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और सवाल देखें नॉर्मल से जुड़े हुए, और सवाल एक ये सवाल नॉर्मल का करें, रूटीन सवाल है। ये 4 किलो का ब्लॉक है, ये 2 किलो का ब्लॉक है
और इधर मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बाय 4 केजी ब्लॉक ऑन द 2 केजी ब्लॉक। फाइंड द फोर्स बाय द 4 केजी ब्लॉक ऑन द 2 केजी ब्लॉक। जो 4 किलो का ब्लॉक है वो 2 किलो के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आप 2 मिनट का पॉज लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये 12 न्यूटन का हम इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, ये 4 किलो का ब्लॉक है, ये 2 किलो का ब्लॉक है। अब हम इसमें 4 केजी और 2 केजी के जो 2 ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का एफबीडी बनाते हैं। तो जैसे 4 किलो का जो ब्लॉक है, इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 40, ऊपर की तरफ मैंने N1 मान लिया, आगे की तरफ 12 लग रहा है और पीछे की तरफ मैंने N मान लिया, ये इसका एफबीडी हो गया। पहला काम आपको NLM का कोई भी सवाल या मैकेनिक्स में कोई भी सवाल या फिजिक्स में कोई भी सवाल करना है, ठीक है, जहां फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद एक बार जब आपका एफबीडी बन जाएगा, तब आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहचानना है, और फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं उनको अगर मान लीजिए पहले से प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो उनका उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके न्यूटन्स लॉ एफ बराबर एम लिखना है। तो जैसे मैंने पहला काम जो है वो कर दिया, इस वाले का एफबीडी बनाए, खैर इसका भी बनाए, पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाना है। इस पर नीचे की तरफ लग रहा है 20, ऊपर की तरफ N2 लग रहा है और आगे की तरफ N लग रहा है। ठीक है, ये 12 आगे की तरफ है, N पीछे की तरफ है। अब N आगे की तरफ है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, ऊपर की तरफ N2 लग रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में जो भी जैसे देखा जाए, तो इस डायरेक्शन में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये हम देखो न्यूटन्स लॉ किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इस खास डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो 12 आगे लग रहा है, N पीछे लग रहा है। अच्छा, हमें पता है कि भाई फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो जा तो आगे ही रहा होगा ना, तो आगे की तरफ ही जा रहा होगा। तो 12 आगे है, N पीछे है, तो ऑब्वियसली 12 बड़ा होगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो आ जाएगा, अगर हम इसके ऊपर नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स इस पर आ जाएगा 12 माइनस N, ये नेट फोर्स हो गया इस वाले में, ये बराबर होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं पता है हमें। ठीक है, अब मैं इस वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ अप्लाई करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा तो इस पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जो है वो N है, ये बराबर जाएगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो N की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। अब मैं मुझे चाहिए क्या, मुझे N ही तो चाहिए था, मुझे ही तो पता लगाना था ना कि इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो ये a की वैल्यू N/2 है, वो मैं पुट कर दे रहा हूं, तो 12 माइनस N इज इक्वल टू 4 इंटू N/2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2N 3N हो जाएगा 12, इसका मतलब हो जाएगा N की वैल्यू 4 न्यूटन हो जाएगी, N आएगा वो 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो इस तरह से एफबीडी बना के हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और करें सवाल, दस किलो का ब्लॉक है, इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेशन है, ये एंगल है 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताएं और ये बताएं कि इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। 2 मिनट का पॉज लें, फिर RS sir का सोल्यूशन देखें।
ये 100 न्यूटन का फोर्स है, ये 37 डिग्री, ये 10 केजी है. तो फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब ये जो 10 केजी का ब्लॉक है, मुझे सबसे पहले तो इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा. चलो भाई बनाया एफबीडी मैंने, नीचे की तरफ लग रहा है 100 mg, m 10 है, g को भी मैं 10 मान रहा हूं, ऊपर की तरफ n लग रहा है और इधर तो 100 न्यूटन लग ही रहा था. अब क्या है कि मुझे देखना पड़ेगा भाई कि ये मैंने एफबीडी बना लिया, सारे फोर्स दिखा लिए, अब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पहचानना है और उस डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ लगाना है. तो जैसे इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा, ऐसे होगा एक्सेलेरेशन, तो अब इस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाना है, तो इस डायरेक्शन में हमें फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ेगा. तो अब फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो 100 का इधर कंपोनेंट आएगा 100 cos 37 और इधर जो कंपोनेंट आएगा 100 का वह आ जाएगा 100 sin 37. ये जो 100 था उसका इधर कंपोनेंट 100 cos 37 आएगा और इधर 100 sin 37 आएगा. अब मैं इस डायरेक्शन में न्यूटन को लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए, किसी भी डायरेक्शन में मैं न्यूटन को लॉ अप्लाई कर सकता हूं, तो अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो नेट फोर्स कितना है 100 cos 37, ये बराबर होगा इसका मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन. तो ये जाएगा 100 cos 37 हो गया 4/5, ये 10a आ जाएगा, एक 0 से 10 चला जाएगा 40, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 8 m/s². ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया. अब दूसरा नॉर्मल निकालना है, तो देखो भाई ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो अगर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस जो होंगे वो बैलेंस होंगे. तो अगर वो बैलेंस होंगे तो n प्लस 100 साइन 37 इज इक्वल टू 100. तो n की जो वैल्यू आएगी वो 100 माइनस 100 साइन 37, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन. तो जमीन इस पर जो नॉर्मल लगा रही है वो 40 न्यूटन के बराबर होगी और जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वो 8 m/s² हो जाएगा.